दोस्तों, पिछले 72 घंटों में इजरायली पुलिस ने मस्जिद अक्सा में घुसकर जो भी कुछ किया है उसे देखने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। दरअसल हुआ ये कि मस्जिद अक्सा के अंदर फिलिस्तीनी लोग रात को छुपकर नमाज तरावी अदा कर रहे थे और उन्होंने मस्जिद अक्सा के दरवाजों को बड़े बड़े तालों के जरिए से लॉक कर रखा था। वो इसलिए क्योंकि उनको डर था कि कहीं इजरायली पुलिस मस्जिद के अंदर घुसकर उन्हें इबादत करने से रोक ना दे। और दोस्तों, हुआ भी कुछ ऐसा ही। इजरायल की पुलिस ने मस्जिद के अंदर घुसकर फायरिंग की और स्टंट ग्रेनेड भी छोड़े। यही नहीं दोस्तों, इजरायली पुलिस ने मस्जिद के अंदर दाखिल होने के बाद वहां पर जितने फिलिस्तीनी लोग मौजूद थे उनकी बुरी तरह से पिटाई भी की, जिसकी वीडियोस आप ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं, क्योंकि वो वीडियोस मैं यहाँ पर यूट्यूब गाइडलाइन की वजह से नहीं दिखा सकता हूँ। फिलहाल इस हमले को अंजाम देने के बाद इजरायल की पुलिस ने कहा कि हमें खबर मिली थी कि बहुत सारे फिलिस्तीनी डंडे और हथियार लेकर मस्जिद के अंदर मौजूद हैं और कुछ बड़ा करने वाले हैं, इसलिए हमने उन्हें मस्जिद में घुसकर पकड़ने की कोशिश की। मगर दोस्तों, इस झड़प में फिलिस्तीनी और मस्जिद अक्सा का जो हाल हुआ है उसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। फिलहाल दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें।